और आप देख रहे हैं ऑफ द ग्रिड। मैं आया हूँ डबलिन में, जो आयरलैंड की राजधानी है, और मैं अपने सफर की शुरुआत करूंगा वाइल्ड अटलांटिक वे से, जो दुनिया का सबसे लंबा कोस्टल रूट है। तो आइए मेरे साथ इस अमेजिंग जर्नी पर। हमारा आज का सफर लंबा है, समझदारी इसी में है कि इसकी शुरुआत जल्दी हो, और मैं यही करने वाला हूँ। वैसे मैं बता दूं, वाइल्ड अटलांटिक वे लगभग 2,500 किलोमीटर्स लंबा है। इसकी शुरुआत डोनेगल से होती है और पश्चिमी तट से होते हुए ये किनसेल तक फैला हुआ है। वहाँ के नजारे खूबसूरत हैं और मैं शहर से दूर बसी कुछ ऐसी जगहों पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं आयरलैंड की संस्कृति और वहाँ के लोगों को करीब से समझ सकूँ। आपने आयरलैंड की हरियाली के बारे में तो सुना ही होगा। हम लगभग 2 घंटे से सफर कर रहे हैं और यहाँ चारों तरफ हरियाली से ढकी पहाड़ियां हैं। आप कह सकते हैं यहाँ 50 Shades of Green है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ये लगभग 32 करोड़ साल पुराना है और मुख्य रूप से शेल और सैंडस्टोन से बना है। चलिए ऊपर चलकर देखते हैं। अन्य भागों की तरह ये पहाड़ियां यहाँ की खूबसूरती को दर्शाती हैं। ऊंची पहाड़ियों और गहरे समंदर के इस प्राकृतिक मेल को देखने के लिए कई देशों से पर्यटक यहाँ आते हैं। एक संरक्षित क्षेत्र है जो 29 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 40,000 से भी ज्यादा पक्षियों का घर है। यहाँ की चट्टानों के तख्त पर इनका घोंसला है, जिसका नजारा बहुत ही खूबसूरत है। ये चट्टानें यहाँ की खासियत है, इनकी ऊंचाई है
है 702 फीट और चौड़ाई 8 किलोमीटर। इनकी खूबसूरती कमाल की है। यहाँ कई प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे हैरी पॉटर और प्रिंसेस ब्राइड। ये जगह शानदार है। सेंटर में जहां हम आयरिश इतिहास और परंपरा को जानेंगे। ये बाहर से काफी दिलचस्प लग रहा है, तो अब बारी है अंदर जाने की। हाय एलेक्स, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। केटीज प्राइवेट कॉटेज में आपका स्वागत है। आपको यहाँ घुमाने में मुझे खुशी होगी। चलिए चलते हैं। मुझे इस जगह के बारे में कुछ बताइए। ये ग्लेडा विलेज का सबसे पहला पारंपरिक थैच्ड कॉटेज है, जो लगभग 150 साल पहले बनाया गया। हाँ, उस समय सभी घर ऐसे ही होते थे, करीब 200 से 300 कॉटेजेस, और 1940 में उन्हें तोड़ दिया गया था। इस साल माइक ने इन कॉटेजेस का निर्माण करने का फैसला किया। यहाँ के कुछ स्थानीय लड़कों की मदद से माइक ने सभी चीजें, मटेरियल सब कुछ इकट्ठा किया। फूल्स की छत के लिए मक्के भी उगाए, तो यहाँ सब कुछ खास है। इसे अभी कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया है। यहाँ डांस सिखाते हैं, बुक क्लब्स हैं, और पर्यटक ये देखने आते हैं कि आज से 150 साल पहले लोग कैसे रहते थे। यहाँ एक खूबसूरत फायरप्लेस भी है। यहाँ एक कहावत है, निलेन थिंथन मर्दे थिंथन फेन। क्या ये गेलिक है? हाँ, इसका मतलब आपके फायरप्लेस से बेहतर और कोई फायरप्लेस नहीं। अच्छा, ये मतलब मजेदार है ना? हाँ, बहुत ही मजेदार है। गेलिक में शुक्रिया कैसे कहते हैं? थैंक यू। आप सीखने के लिए रेडी है? जी हाँ। गोरो महागत। गोरो महागत। अरे वाह, आप सीख गए। बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। में आयरलैंड में आए आलू के अकाल को दर्शाता है। इसी दौरान यहाँ की जनसंख्या 45 सालों में 80 लाख से घटकर 45 लाख हो गई थी। यहाँ इन प्रतिमाओं की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें 7000 साल पुरानी लकड़ी से बनाया गया है। सबसे बड़े शहरों में से एक है। इस जगह का प्रभाव आयरलैंड के लोगों की अंतरात्मा तक बसा हुआ है। कहा जाए तो इसके साइज से ज्यादा इसका महत्व है। गॉल्वे मशहूर है क्लाडा रिंग के लिए। आयरलैंड में इस अंगूठी को प्यार की निशानी माना जाता है। इस अंगूठी में दो हाथ एक दिल संभाले हुए हैं और ऊपर एक मुकुट है, और इसकी शुरुआत गॉल्वे से हुई थी। तो चलिए इसे बनते हुए देखते हैं। जाए तो क्लाडा रिंग को आयरलैंड में स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इसे वेडिंग रिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही आप इसे दोस्तों को भी दे सकते हैं। कुछ जगहों की ये विरासत है, जहां माँ अपनी बेटी को ये अंगूठी देती है। ¶¶
ये लीजिए सर, ये आपके लिए है। ओह, ये खूबसूरत है, चलिए पहन कर देखते हैं। इसे इस तरह पहनने का मतलब है कि आपको आपकी जीवन साथी मिल गई है। अच्छा। और इसे घुमाकर पहनने का मतलब है कि अभी आप सिंगल है और तलाश जारी है। ठीक है, मैं इसे इस तरह पहन लेता हूँ। ये कमाल की है। Perfect. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. बहुत खूबसूरत है। इस अंगूठी को पहनने के बाद मुझे भी लग रहा है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गोल्वे के लोगों ने मुझे अपना लिया है। यहाँ पर सभी आकर्षक जगहें एक दूसरे के आसपास नहीं हैं। कुछ शानदार दृश्य काफी दूर हैं, जैसे कि एशफोर्ड कैसल। आयरलैंड के सबसे आलिशान महलों में से एक ये है एशफोर्ड कैसल, जिसे अब एक 5-स्टार लग्जरी रिसोर्ट होटल में तब्दील कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसे यूके और आयरलैंड दोनों देशों का सबसे बेहतरीन होटल माना जाता है। दरअसल ये एक महल है। सौ साल पुराने इतिहास में इस महल में कई प्रसिद्ध लोग रह चुके हैं। कुछ समय के लिए गिनीज फैमिली इसके मालिक थे, जो मशहूर गिनीज बियर के निर्माता और मालिक हैं। सन 1939 में इस महल को आयरलैंड की सरकार को उपहार के तौर पर दे दिया गया। विशाल पत्थर की संरचना और साथ ही यहाँ पर है मीनार और बुर्ज। लॉक कोरिब झील के पास बने इस खूबसूरत लॉन का तो जवाब ही नहीं है। बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ के स्थानीय लोग भोजन तलाशने के लिए इन पक्षियों का उपयोग किया करते थे। फिलहाल आयरलैंड स्कूल ऑफ फाल्कनरी आयरलैंड में स्थित सबसे पुरानी फाल्कनरी है। हम जाएंगे एक हॉक वॉक पर, जहाँ हम बाजों को उड़ाएंगे और उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ये एक बहुत ही अलग अनुभव होगा। हेलो, कैसे हैं? हेलो, मेरा नाम टॉमी है। मैं हूँ एलेक्स। बिल्कुल, खुशी हुई। वेलकम टू आयरलैंड स्कूल ऑफ फाल्कनरी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पक्षी दिखाता हूँ। मैं आपका परिचय इनकर से करवाऊंगा, जो एक हैरिस हॉक है, जिसे आप खुद अपने हाथों से उड़ाकर देख सकते हैं। जरूर, चलिए प्लीज। ओके, जवाब है तो बताइए मैं क्या करूं? ओके, सो जब आपकी मुट्ठी बंद रहती है तो इसे लगता है कि आपने इसे पकड़ रखा है। ये इसका इशारा है। अगर आपको इसे उड़ाना है तो आपको उस ओर मुड़ना होगा जहां इसे भेजना है। अब आप अपनी मुट्ठी खोलिए, ये उड़ने का इशारा है। तो जैसे ही आप अपना ग्लव खोलते हैं, कभी कभी जल्दी उड़ जाती है। अब उसे वापस बुलाने के लिए आप अपना लेफ्ट शोल्डर उसकी तरफ कीजिए, बायां कंधा, और फिर अपना हाथ आगे कीजिए मेरी तरफ। तो इस तरह इनकर समझ जाती है कि आप उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि उसने अभी एक मांस का टुकड़ा खाया, तो इसी मांस के टुकड़े की वजह से ये हाथ पर आकर वापस बैठती है ना? उसे बुलाने का मतलब कमांड नहीं, एक ऑफर है। आपने उसे खाना ऑफर किया है, इसीलिए वो आपके पास आई है। उसे पता है इसमें खाना है। अब ये फिर उड़ गई, तो जब भी आपका हाथ खुला रहेगा इसका मतलब वो फ्री है। मैं जब भी अपना हाथ खोलूंगा वो चली जाएगी, वो उड़ने के लिए आजाद होगी, या फिर ये किसी तरह का इशारा है उसके लिए। ये समझ में आ गया, क्योंकि ये देखिए वापस आ गई।
तुम्हें सिर्फ खाना चाहिए है ना। जब ये इधर उधर घूमती है तो इसके दिमाग में बस अपने फायदे की बात चलती रहती है। ये वही करती है जो इसे लगता है सही है, और हमारे पास आना इसके फायदे का सौदा है। तो अगर आप इसे खाने के लिए बुला रहे हैं और इसे लगता है ये सही है तो ये आ जाएगी। और ये सब कुछ हम करके देखेंगे जब हम खुले मैदान में हॉक वॉक करने जाएंगे। और इनकर हमारे साथ सिर्फ खाने के लिए नहीं आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि उसे लगता है कि हमारे साथ उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। ये वाकई बहुत दिलचस्प है, मैं इसे एक और बार उड़ाना चाहूंगा। ओके, अब उसे बुलाने के लिए। ये बहुत ही दिलचस्प है, ये लीजिए। वाओ, तो टॉमी मुझे इस हॉक के बारे में और कुछ बताइए, ये कितने साल की है और किस प्रजाति की है? तो इनकर एक हैरिस हॉक है और ये 4 साल की है। ये एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग पक्षी है। ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाली हैरिस हॉक की एक उपप्रजाति है। ये यहाँ के 3 पक्षियों में से एक है और हम हैरिस हॉक इसलिए यूज करते हैं। दरअसल एक पक्षी के लिए ये सब करना जो हम यहाँ करते हैं, उनसे उम्मीद करना कि वो हमारे पास वापस आ जाए, इसमें विश्वास की जरूरत है। हाँ। तो आप जब एक फॉकनर बनने जाते हैं तो इनका विश्वास जीतने में ही टाइम जाता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। और इनकर ये हैरिस हॉक दुनिया की इकलौती प्रजाति है जो शिकार करने के साथ साथ इंसानों के साथ भी रहती है। और इनकर के नजरिए से किसी भी पक्षी से लड़ाई न करना एक अच्छा विचार है, और ऐसा करने से ये लोगों पर जल्दी विश्वास करती है और इसीलिए ये संभव है। अच्छा, अब ये बताइए कि इसे ट्रेन करने में कितना समय लगता है और आखिर ये कितना मुश्किल होता है? अब ये एक ongoing process है। दरअसल हमने इनकर को बचपन से पाला है। जब से इसने उड़ना सीखा है ये फ्रीली उड़ती आई है। ऐसा लगता है कि ये वापस कभी नहीं आएगी। और पब्लिक के बीच में इसे लाने से पहले देखना पड़ेगा इसका आत्मविश्वास कैसा है, और ये सब करने से पहले अच्छे प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इसे देखकर लगता है कि इसकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये उड़ना चाहती है, इसलिए अब मैं इसे छोड़ने वाला हूँ। ये बहुत ही अनोखी है। पश्चिमी तट का एक बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे एकल आइलैंड, क्लू बे और क्रो पैट्रिक। इस जगह पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं और कैफेज हैं। लेकिन मैं चला पहाड़ चढ़ने। वेस्टपोर्ट क्लू बे में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ घूमने के लिए काफी सारी जगहें हैं और यहाँ सबसे मशहूर है क्रो पैट्रिक। सबसे पवित्र पहाड़ माना जाता है और इस तीर्थ स्थान की परंपरा 5000 साल पुरानी है। ये पहाड़ 765 मीटर ऊंचा है और कहा जाता है कि सेंट पैट्रिक इस पहाड़ पर चढ़े थे और वहां रहकर 40 दिन और 40 रात उपवास किया था। अगर आप इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तो आपको क्लू बे का खूबसूरत नजारा दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। पहुंचने में कितना समय लगा? चढ़ने में 1.5 घंटा और उतरने में 1 घंटा। और आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं? हाँ, ये काफी मशहूर है और अगले रविवार पिलग्रिम संडे है तो यहाँ पे तकरीबन 30,000 लोग पहाड़ी पर आएंगे। 30,000 लोग पहाड़ पर? हाँ, कुछ लोग तो नंगे पैर चढ़ते हैं। वाओ, इसका मतलब यहाँ पर काफी भीड़ होती है। लेकिन अगले रविवार ही क्यों? ये त्योहार सेंट पैट्रिक की याद में मनाया जाता है और इसलिए लोग यहाँ पहाड़ चढ़ने आते हैं। ये आयरलैंड की एक परंपरा है, ये एक तीर्थ स्थल की तरह है। वहाँ ऊपर एक चर्च भी है। अगले रविवार वहाँ ऊपर प्रार्थना सभा होने वाली है और यही कारण है कि इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए, मैं पहली बार इस पहाड़ पर चढ़ूंगा तो आप मुझे कुछ सलाह देना चाहेंगे? ये एक धार्मिक स्थल है तो आप बस हर एक पल का आनंद लीजिए। अब देखिएगा, मैं वहाँ सबसे पहले पहुँचूंगा। हैव अ ग्रेट डे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दूर से एक पिक्चर
पिक्चर परफेक्ट यात्रा दिखती है, लेकिन जब आप यहाँ चलेंगे तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खास तौर पर तब जब यहाँ बहुत कोहरा और बारिश होती है। पहुंचने की कोशिश की लेकिन मौसम बहुत खराब है, यहाँ धुंध है, तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है, इसलिए फिलहाल हम इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए मैंने वापस जाने का फैसला किया। जैसा कि मैंने कहा था, आयरलैंड के मौसम का कोई भरोसा नहीं। पैट्रिक नहीं देख पाया, लेकिन मैं बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाला हूँ। वाइल्ड अटलांटिक वे से होकर मैं जाऊंगा मलरनी, एक 60 किलोमीटर लंबे रास्ते पर साइकिलिंग करने के लिए जो पहले एक रेल रोड ट्रैक था। ग्रेट वेस्टर्न ग्रीनवे पर, जो वाइल्ड अटलांटिक वे के साथ 42 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस जगह की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के किसानों ने पर्यटन के लिए सरकार को अपनी जमीन पर सैलानियों के प्रवेश की अनुमति दी है। इस रास्ते पर आपको मोटर गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी, या तो साइकिल या फिर पैदल। तो चलिए चलकर देखते हैं। से होकर काउंटी मेयो तक फैला हुआ है। कोई भी पर्यटक जब एक बार इसकी खूबसूरती का अनुभव कर लेता है, वो खुद ब खुद इस जगह की खूबसूरती को बनाए रखने में अपनी राय व्यक्त करना चाहेगा। मोहर से लेकर मलरनी तक गया और मुझे लगता है कि मुझे एक आम पर्यटक से बेहतर अनुभव हुआ है। मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके बहुत कुछ जाना। मिलते हैं ऑफ द ग्रिड के अगले एपिसोड में, फिर मिलेंगे।